मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 स्टोरिंग डाटा इन स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट में हम अपने डाटा को कैसे स्टोर करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल हैज फाउंड प्रैक्टिकल यूज इन फॉलोइंग एरियाज। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेल का यूज हम कब कब करते हैं, इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला एंड मैथ फंक्शन इन एक्सेल शीट्स। ठीक है, जो भी हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें हमारी जो भी मैथमेटिकल्स जो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला होते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं अपनी एक्सेल शीट में। एट होम, घर पर क्या करते हैं? फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ ग्रोसरी लिस्ट ऑफ मैनेजिंग योर बजट, अपने सामान की एक ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं। इन साइंस लैबोरेटरीज, ठीक है, साइंस की जो लैबोरेटरीज होती है उनमें हम क्या वर्क करते हैं? फॉर एनालाइजिंग साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, जो साइंटिफिक रिकॉर्ड होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करने, मतलब उस टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं। इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में क्यों यूज करते हैं? फॉर मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री और अ कैटलॉग ऑफ द एंटायर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब कौन सी बुक किस राइटर की किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इस टाइप के हम अपनी लाइब्रेरी में डाटा स्टोर करते हैं। इन ऑफिसेस फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज चार्ट एंड ग्राफ्स व्हिच मेक्स एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन इजियर। ठीक है, ऑफिसेस में हम चार्ट्स और ग्राफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं जो कि हमारे प्रेजेंटेशन के लिए ईजी होता है। इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, जो बैंक में होते हैं वो हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। इन बिग फर्म टू मेंटेन सैलरी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें हम एम्प्लॉयज की सैलरी का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं। इन सुपर मार्केट्स टू मेंटेन एंड मैनेज द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स एंड बिलिंग। ठीक है, जो सुपर मार्केट्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं? जो हमारा जो सामान होता है उनका स्टॉक या उनकी बिलिंग के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। तो आपने ये सारे जो पॉइंट्स आपने देखे, तो एक्सेल का यूज हम हर एक फील्ड में करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल जो आपका टॉपिक है वो है एक्सेल अ पैकेज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। ठीक है, जो कि एक एक्सेल है तो वो क्या करता है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का पैकेज है। एमएस एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट क्रिएट करता है। एन एक्सेल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड अ वर्कबुक। जो एक्सेल डॉक्यूमेंट्स की जो शीट्स होती हैं, मतलब जो हर एक शीट पर वर्क या कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो उन वर्कशीट्स को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। लाइक एमएस वर्ड, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड भी क्या है? एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। द वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो और कॉलम्स। हम ये भी जानते हैं जो वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम्स में डिवाइड होती है। दे आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा इन टेबुलर फॉर्म एंड अलाउ बेसिक कैलकुलेशंस ऑन द डाटा। जो हमारा जो डाटा होता है एक्सेल में वो हमारा न्यूमेरिक और अल्फा दोनों में हमारा जो डाटा होता है वो सेव होता है और हम एक्सेल में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब इसमें आपका पहला क्या है? स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सेल, स्टेप टू स्टार्ट
स्टार्ट करेंगे। इसका सेम प्रोसेस है आपका, पहले स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाद एमएस एक्सेल। ठीक है, ये आपका क्या है, इस तरीके से आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे, पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के बाद आप एमएस एक्सेल। ये आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सेल की जो विंडो होती है उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ एन एक्सेल विंडो। तो आपका इसमें पहला पार्ट क्या होता है, एक्सेल विंडो इज वेरी सिमिलर टू अ वर्ड विंडो। जो एक्सेल की विंडो होती है वो आपके बिल्कुल वर्ड विंडो की तरह होती है। इट हैज फीचर्स लाइक द टाइटल बार एंड रिबन, इसमें भी हमारा टाइटल बार और रिबन इंक्लूड होता है। बट अनलाइक वर्ड, द वर्किंग एरिया ऑफ एन एक्सेल विंडो इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रोज एंड कॉलम्स। जो वर्ड की विंडो होती है उसमें जो पेज होता है वो हमारा एक ब्लैंक शीट होता है। इसके अकॉर्डिंग एक्सेल की जो विंडो होती है वो हमारी रो और कॉलम्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इसका जैसे आपकी बुक में फिगर भी दे रखा है 6.2 में, पहले आपका क्यूक एक्सेस टूल बार दे रखा है, फिर आपका एड्रेस बार है, लेफ्ट साइड में कॉलम लेटर्स है, एक्टिव सेल पॉइंटर है, ये सारे आपके क्या है, पार्ट्स हैं जैसे वर्कशीट। ठीक है, इसके अदर कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, वर्कशीट एक वर्कबुक होती है, वो नॉर्मली आपकी तीन, जो आपके फ्रंट में आपके सामने जो शीट्स खुली होती हैं वो आपकी तीन ही खुली होती हैं। उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग जितनी ऐड करनी होती है उतनी शीट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ एन एक्सेल विंडो वेयर यू एंटर डाटा, देयर आर थ्री वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट इन अ वर्कबुक। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी, तीन शीट्स होती हैं। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें और शीट ऐड कर सकते हो। डिफॉल्ट मीन्स अ पर्टिकुलर सेटिंग दैट इज असाइंड ऑटोमेटिकली बाय एन एप्लीकेशन एंड रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल इट इज चेंज्ड बाय द यूजर। ठीक है, आप यूजर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट जो सेट होती है वो थ्री वर्कशीट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका रो, द हॉरिजॉन्टल शीट मार्क्ड 1, 2, 3। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है इस टाइप से, वो आपका क्या होता है, रोज, ये आपकी क्या होती है, रोज, जहां आपके 1, 2, 3 एंड्स और नंबर लिखे होते हैं, और ये जो ABCD लिखी होती है ये आपकी क्या होती है, कॉलम्स। तो रोज हमारे कितने होते हैं, 10,48,576 रोज होते हैं एक वर्कशीट में। कॉलम्स आपके A to Z होते हैं। ठीक है, और फिर डबल A, A, B, A, C ऐसे करके A Z तक होते हैं और Z Z तक। ठीक है, इसके बाद फिर आपके AAA, 4A, मतलब इस टाइप से आपकी जो सेल्स होते हैं वो कॉलम्स खुलते रहते हैं। कॉलम्स आपके कितनी होते हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज कितने होते हैं आपके, 10,48,576 और कॉलम्स 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सेल्स एक रो और एक कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है हमारा, सेल इक्वल टू रो प्लस कॉलम। ठीक है, एक रो और एक कॉलम मिलकर हमारा एक सेल बनाते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है, जो हमारी विंडो होती है, ठीक है, वहां पर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के बाद एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में हमारा क्या आता है, पहले जैसे A1, तो A1 में A हमारा क्या है, कॉलम, वन क्या है हमारा, रो। तो सेल एड्रेस में हमारा क्या होता है, पहले कॉलम शो करता है, उसके बाद रो।
सेल पॉइंटर, जहां हमारा कर्सर होता है वो हमारा सेल पॉइंटर होता है, फॉर्मूला बार जहां पर हम फॉर्मूला लिखते रहते हैं, और हमारे जिस बार में फॉर्मूला शो होता रहता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका सिलेक्टिंग सेल्स। सिंगल सेल क्लिक एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, आप किसी एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हो उसके सेंटर पे जाके, या आप आपकी जो पूरी वर्कशीट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अ थिक बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द सेल व्हिच शोज दैट इज द एक्टिव सेल। ठीक है, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपका कर्सर ब्लिंक करता रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो किस रो में किस सेल में हम वर्क कर रहे हैं। टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट जस्ट क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन। जैसे ही सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे हमारी जो पूरी वर्कशीट होगी वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, हम केवल एक मतलब जो एक साइड के कॉलम्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, अब हमारा क्या है, एंटरिंग अ वर्कशीट, एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट, हम वर्कशीट में डाटा कैसे एंटर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट, हम अपने वर्कशीट में डाटा कैसे एंटर करेंगे। टू एंटर इन अ सेल select the cell and double click on it to get the cursor for typing। ठीक है, सेल में जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेल होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, वर्क करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यूज एरो की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, आप क्या कर सकते हो, एरो की के थ्रू आप वन सेल से दूसरे सेल में भी इजिली जा सकते हो। जैसे आपके ये टू सेल्स हैं, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया जैसे नेम, तो आप इजली एरो की सिलेक्ट करोगे तो आपका ये यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, यहाँ आप जैसे आप देख सकते हो क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप, या फिर टैब की का भी आप यूज कर सकते हो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। व्हाइल टाइपिंग यू विल नोटिस दैट इट्स कंटेंट इज ऑल्सो विजिबल इन द फॉर्मूला बार। आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब आप इस सेल में लिख रहे हो तो हमारा जो फॉर्मूला बार मैंने आप लोगों को बताया, वहां पर भी हमारा जो हम सेल में लिखते हैं वो हमारा फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। हियर यू कैन क्लिक ऑन क्रॉस बटन टू रिमूव द टाइप डाटा और क्लिक ऑन राइट बटन टू एंटर इट। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बार में भी लिखते हो तब भी हमारा वो एक्टिव सेल में लिखा जा सकता है, अगर हम क्रॉस कर दें तो वो हमारा वहां से क्रॉस हो जाएगा माउस पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारा माउस पॉइंटर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग माउस पॉइंटर क्या करते हैं, माउस के पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर कीप्स चेंजिंग एज यू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन इन एन एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट में हम अपने पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं। इन एनी सेल इट लुक लाइक अ हॉलो प्लस सिंबल, जैसे आपके इसमें एक साइन दे रखा है, ये आपका एक्सेल शीट में आता रहता है, एरो की भी आ सकता है इस टाइप से। ये इस टाइप से प्लस का भी आता रहता है, एक एरो की भी आता है इस टाइप से, आई भी आता है। ठीक है, कई टाइप्स के साइंस होते हैं, इस टाइप का एरो भी आता रहता है। तो ये माउस पॉइंटर्स के हमारे अलग अलग होते हैं, तो जिस टाइप से हमें अपना माउस का पॉइंटर सिलेक्ट करना है हम वो इजी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटा एंटर्ड इन एक्सेल। Types of data entered in Excel.
types of data that can be entered in text, numeric and formula. हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल में क्या क्या टाइप कर सकते हैं, वो टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डाटा हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है और हो सकता है, ठीक है। हम केवल इस इन्हीं तीन टाइप का डाटा जो होता है वो एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम लोगों को पता है कि हम किसी का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। न्यूमेरिक में हम लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी नंबर या सिंबल यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला में हमें हमने जैसे पता है कि एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशंस यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो हम इसमें फॉर्मूला भी इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। आपका है हाउ टू वर्क विद वर्कशीट, हाउ टू वर्क विद वर्कशीट, हम वर्कशीट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। वी कैन एड अ न्यू वर्कशीट बिफोर विच यू वॉन्ट टू प्लेस अ न्यू वर्कशीट, ठीक है। जैसे कि आपके विंडो के नीचे हमें पता है जैसे कि वर्कबुक में तीन वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आते हैं, तो हम उनको सेलेक्ट करके वर्कशीट नेक्स्ट वर्कशीट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक ऑप्शन आता है इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है, तो वो हम उसमें इंसर्ट वर्कशीट इजली कर सकते हैं। किसी भी सेल को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, शीट का भी वही हाल है, कंडीशन हमारी कि हम किसी भी शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सेविंग अ वर्कबुक, कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम नेक्स्ट क्या है, कोई भी जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग का हमारा सिंपल प्रोसेस है, फाइल में जाकर हम उसे सेव कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है एक्सेल के, डाटा कैन बी मेंटेन इन अ टेबुलर फॉर्म, जो डाटा हमारा होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में हमारा मेंटेन होता है, एडिशन सबट्रैक्शन एंड अदर बेसिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म इजली ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें हम इजली एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और अदर जो बेसिक कैलकुलेशन हैं वो हम इसमें बहुत ही ईजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा कैन बी अपडेटेड विद ईज, ठीक है, और डाटा हम इसमें अपडेट कर सकते हैं अपना, वन डज नॉट हैव टू रीराइट द होल डाटा लाइक इन पेपर फाइल। जैसे कि हम अपने पेपर फाइल में पूरा डाटा फिर से लिखते हैं, तो एक्सेल में हमें अपना डॉक्यूमेंट पूरा डाटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट विद द यूज ऑफ बार ग्राफ्स, ठीक है, हम अपने डाटा को बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी इसको पर क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ या चार्ट्स के थ्रू भी अपने जो भी हमारा डाटा है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स जो है वो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स बिल है या हॉस्पिटल मतलब जो भी अगर हम मेडिकल पर जाते हैं तो उसके बिलिंग है, तो एक्सेल के होने से जो इंसान का वर्क है वो काफ़ी हद तक ईजी हो गया है। उस पर हमें पेपर में क्या होता है, हर एक पेपर में अगर हमें एक ही फॉर्मेट चाहिए तो वो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एक्सेल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, एक्सेल में हमें केवल एंट्रिंग करनी पड़ती है, अपने डाटा को एंटर करना पड़ता है, ठीक है, और इसके बाद हमारा एक्सेल में, और ये हमारा जो क्या है एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का ही हमारा एक पार्ट है। ओके, हैव अ नाइस।